Noi! Vanar Balak! Ek chota sa Vanar Balak! तुम्हें भी नृत्य करा गया पिशाचराज। क्षमा करें लंकेश, वो बालक ऐसी छोटी सी चिंगारी है जो प्रेम करे तो ज्योति बनकर सबका मार्ग आलोकित कर दे और भड़क उठे तो सबको जलाकर भस्म कर दे। उसकी प्रशंसा मेरे सामने मत करा। लंकेश, नेत्र बंद कर लेने से अंधकार नहीं हो जाता, सत्य को पहचानिए। उस वानर बालक और उसके प्रभु से वैर करके आप अपना ही अहित कर लेंगे। आपका कल्याण इसी में है कि आप उस वानर के प्रभु की शरण में जाकर क्षमा मांग लो। ये रावण के शब्द कोश में ही नहीं है। ना हम क्षमा मांगते हैं, ना हम क्षमा करते हैं। पिशाचराज हूं मैं, मुझे अपना दास समझने की भूल मत करना। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? लंकेश, अभी भी समय है। अहंकार का आवरण हटा दीजिए अपने नेत्रों से, अन्यथा आपका अहंकार आपको अंधकार में धकेल देगा एक दिन। पिशाचराज! शांत स्वामी, शांत। मंदोदर, तुम्हारे कारण पिशाचराज मेरे हाथों से मुक्त हो गया। नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी और आपके विरुद्ध मैं कोई भी कार्य कभी नहीं करूंगी। अपने हर कार्य में मैं आपके हित को सर्वोत्तम स्थान पर रखती हूँ और रखती आऊंगी, भले ही आपको वो दिखाई ना दे। स्वामी, आप महान शिव भक्त हैं, किंतु दुष्कर्म महानता और पुण्य को नष्ट कर दे। केवल सत्कर्म ही एक भक्त को उत्थान के चरम तक पहुंचाता है। मेरी मानिए स्वामी, आप देवताओं से वैर छोड़ दीजिए और मंद बुद्धि स्त्री। स्त्री हो या अनुचर, सेवक हो या सहायक, पुत्र हो या प्रजा, मंत्री हो या मित्र, उनके उचित परामर्श की अवहेलना करना और सही परामर्श पर उनका आभारी होने के स्थान पर अपमानित करने वाले जीवन में कभी भी पूर्णता और शांति प्राप्त नहीं करते। स्त्री तो आधा जीवन होती है प्रिय, अर्धांगिनी होती है। यदि किसी व्यक्ति का आधा अंग उपेक्षित और अपमानित हो जाए तो वो सबसे बड़ा अभागा है। हनुमान, तुम्हें ही तो मेरी जीवन दीप की ज्योति को आंधियों से बचाना है। प्रभु के काज संवारते हैं जो अंजनी लल्ला मारुती है, वो कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बल में करते युग के कार्य, मंगल मूर्ति कादार्य, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजन,
इन चारों भाइयों का आगाध प्रेम और हनुमान का सेवा भाव अनुपम है। प्रतीत होता है कि आप चार पुत्रों के नहीं, पांच पुत्रों के पिता हैं। उचित कहा गुरुदेव आपने, मुझे भी यही प्रतीत होता है कि हनुमान मेरा पुत्र है। हनुमान राम से अभिन्न है। महाराज, जिस प्रकार कोटि कोटि योजन दूर रहकर भी सूर्य हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आज महाबली हनुमान ने अपने नाम के प्रताप से दूर रहकर भी हम सबके संकट को हर लिया है। पिशाच मोचन महाबली हनुमान की जय। ऐसे प्रतापी युवराज को पाकर हम सुमेरु वासी धन्य हो गए महाराज। सुमेरु नगरी उनके बिना सूनी सूनी सी लगती है। महाराज, मित्र हनुमान के बिना हमारी क्रीड़ाएं बंद हो गई हैं। महाराज, मित्र हनुमान जहाँ भी हो भले एक दिन के लिए कृपया उन्हें बुला लीजिए। हाँ महाराज, हमें उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। उन्हें वापस लाइए। हाँ महाराज, उन्हें वापस बुला लीजिए। सुना तो हमारा जीवन भी हो गया है हनुमान के बिना। पिता हूं किंतु रुदन मेरा हृदय भी करता है, परंतु विवश हूं नियति के समक्ष। पता नहीं हनुमान कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, हम जानते हैं हमारे दुख से बड़ा तो आपका और महारानी जी का दुख है। महाराज, उनके शीघ्र लौट आने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हनुमान मेरे लाल, चंद्रदेव को देखकर आपको स्मरण कर लिया करूंगा मां। हनुमान तेरे लाल, कहां हो तुम पुत्र, जहां भी हो सुख से रह। अपनी मां को स्मरण करना अवश्य, किंतु स्मरण कर कर दुखी मत हो। चंद्रदेव, एकमात्र आप ही हैं जिनके दर्शन मैं और मेरा पुत्र दूर रहकर भी एक साथ कर सकते। न जाने मेरा पुत्र कहाँ हो, वो जहां भी हो सकुशल हो प्रभु। मेरे पुत्र तक मेरा संदेश पहुंचाइए प्रभु, न जाने कैसा होगा, मुझे स्मरण भी करता होगा या नहीं। देवी अंजना, हनुमान भी आपको स्मरण करते हैं। आ, 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 आ,
दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ। निरिधि यज्ञ पूर्ण हो चुका है और कल प्रभु का अभिषेक है। माँ, आप यहाँ होती तो बहुत आनंद आता, किंतु यहाँ माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा आपकी ही भांति मुझे स्नेह देती है माँ, किंतु बहुत दिन हो गए आपके हाथ के लड्डू नहीं खाए माँ। करुण पुकार मुझे भी द्रवित कर रही है। माँ, माँ, आप मुझे चंद्रमा में दिख रही हैं। दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ। माँ, हनुमान तेरे ला अश्रु देखकर हनुमान भी दुखी हो जाएगा। चंद्रदेव से प्रार्थना करो कि हमारा पुत्र हनुमान जहां भी हो सकुशल हो। हमारा पुत्र जहां भी हो सकुशल। माँ के आंचल से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती है पुत्र के, कितनी भी शक्तियाँ हो हनुमान, परंतु है तो वो अल्पायु बालक, और कितना त्याग करना पड़ेगा हनुमान को देवों के कार्य के लिए। स्वामी, हनुमान कब तक अपनी माँ के बिना रहे, क्या वो सदा के लिए दूर हो जाएगा अपनी माँ से? क्या आवश्यकता थी, आप सूचित कर देते तो मैं प्रस्तुत हो जाता। अपनी पीड़ा छुपा रहे हो हनुमान, वो देखो हनुमान।
परिवर्तन हो रहा है। हाँ प्रभु, शीत ऋतु समाप्त हो रही है और वसंत का स्वागत करने के लिए प्रकृति श्रृंगार कर रही है। अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली वसंत की प्रसन्नता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का शास्त्र सत्य है। जैसे कल तुम कहीं और थे, आज यहाँ हो सकता है कल तुम यहाँ ना हो। प्रभु चलो हनुमान, माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू खाते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है माँ के हाथ से बनाए हुए लड्डू खाने का। तो चलिए प्रभु, आइए। माँ, हमने वैद्यराज जी को हनुमान दान में तो दे दिया, किंतु मैं माँ हूँ, मेरा मन बार बार रुदन करता है अपने हनुमान के लिए। मैं हनुमान के बिना नहीं रह सकती, न जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा। उसे एक बार देखने के लिए मन बहुत कर रहा है। धैर्य रखो अंजना, ईश्वर सब देख रहे हैं, वो इतना निरुष्ट नहीं हो सकता। देखना, वो ईश्वर ही हमें हनुमान से मिलाने का मार्ग दिखाएगा। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया, माँ इनके पास अवश्य मेरी दुविधा का हल होगा। गाय के लिए फल लेकर आओ। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। सदा पुष्प की भांति खिला रहने वाला मुखड़ा आज मुरझाया हुआ सा क्यों है देवी अंजना? जिस सूर्य को देखकर यह पुष्प खिलता है वो सूर्य कहीं छुप गया है बहन। मुझे कोई उसकी एक झलक दिखा दे, मेरे हनुमान से मुझे मिला दे। अपने पुत्र से मिलने के लिए मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूँ। महादेव की कृपा हो तो निराशा के भी सारे मेघ झट जाते हैं और आशा का सूर्य चमक उठता है। सच में? ऐसा हो सकता है कि हम अपने हनुमान से मिल सकते हैं? कर्म करेंगे तो फल अवश्य प्राप्त होगा महाराज। चेष्टाएं कभी निष्फल नहीं होती। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए, वही आपकी सारी बाधाएं दूर करेंगे। मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो महारानी, आप भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ ने ही तो इंगित किया था ना, इसीलिए उनके भरोसे आपने वैद्यराज को अपने पुत्र को सौंप दिया था। हे देवा, मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दी। हनुमान, यदि मैं
हनुमान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वैद्यराज जी को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। उन्होंने शुल्क के रूप में मांगा था हनुमान का दान, तो क्या हुआ? आप एक माँ हैं और एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सोमेश्वर को स्मरण कीजिए, उनसे अपने पुत्र से मिलाने के लिए प्रार्थना की, देवी पार्वती को भी अपने मृत पुत्र गणेश की पुनः प्राप्ति भगवान सोमेश्वर की कृपा से ही हुई। धन्यवाद बहन, आपने मेरे हृदय में आशा का दीपक चला दिया। आइए स्वामी, अब तो इस माँ की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हाँ देवी, अब समय आ गया है एक माँ को उसका पुत्र लौटाने का।